ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى ولذكر الله اكبر قابل احترام فضيله الشيخ مختار احمد مدني حفظه الله مؤقر اهل العلم मेरे محترم ديني بهيو اور قابل احترام اور हाफिज़ इबन हजर असकलानी रही की किताब बुल गुलमराम का आखिरी हिस्सा किताबुल जाम और उससे आखिरी बब बाबुल्दिक्रद्वा इसका मताल हम कई हफ़्तों से कर रहे हैं और पिछले दर्स में जो हदीस जिसका ज़िक्र हमने किया था उसका एक हिस्सा आखिरी एक टुकड़ा जो दूसरी रवायत इबन हजर रही ने ज़िक्र की है वो बाकी रह गई थी इंशाल्लाह आज उसी से हम अपने दर्ज की शुरुआत करेंगे मुनासिब मालूम होता है कि पूरी हदीस पहले बयान कर दी जाए और उसमें जो ज्यादती है उसको और फिर उसके बाद उसकी शरह या उसके माना हम देखेंगे वान अबी मूसा अलशारी अरद अल्लाह कल कला रसूल सल्लाम या अब इबन क़ैस الا بالله

अलादुल कला कन जन मिनकनू जिलजन्ना क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से ख़ज़ाना न दूँ या उसकी रहनुमाई न करूँ लाला बिल्ला वो ला बिल्ला। ये कलिमा है इस हदीस को इमाम इमामबुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है ज्यादा नसाई इमाम इब्ने हजर फ़रमाते हैं नसाई की रिवायत में ये अल्फ़ाज और ज्यादा हैं वला मल्ज अमीन अल अ के अल्लाह तुझसे पनाह अगर मिल सकती है तो तेरी ही तरफ़ मिल सकती है तुझी से मिल सकती है वलामल जा अमीन अल्लाह इल्ला अल्लाह से पनाह अगर मिल सकती है तो अल्लाह ही के पास मिल सकती है तो ये जो रिवायत है ये दो रिवायतें हैं एक बुखारी व मुस्लिम की रिवायत है मुतफ़ अलैह और उसमें नसीई के अल्फाज ज़्यादा हैं जो इससे जुड़े हुए हैं इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे पिछले दरस में हमने बुखारी की रिवायत से मुतलिक जो बातें थीं और कली में वालक के जो माना हैं उसको भी हमने देखा आज इससे बार इससे आगे नसी की रिवायत से मुतल कुछ बात हम देखेंगे सबसे पहली बात तो ये कि इबन हज रही ने यहाँ पर मतलक़न जिक्र किया है कि इसको इमाम नस्ई ने रिवायत किया है अगरचि बात दुरुस्त है कि इमाम नसई ही ने रिवायत किया है लेकिन जब यूँ कहा जाए कि नसई में इस तरह से है तो इससे मुराद आम तौर से इमाम की किताब अमुजबा होती है जो कि अल्कबरा की मुख्तसर है अगर इसके अलावा किसी किताब में हो और इमाम ने रिवायत किया हो तो उसकी तरफ तफसीली इजाफत ज़रूरी है यानी यूँ कहा जाए कि इमाम ने नेकुबरा में इसको रिवायत किया है या किसी और किताब में यहाँ एक और किताब है जो इमाम की है वह है यानि अमलमी वलला अमलमी वलिला रात दिन के जो अमाल व अजार हैं इससे मुतालिक एक अलग से किताब इमाम की है ये जो हदीस ने हजर रहमतुल्लाह ने ज़िक्र की है ये सुनन अनसाई में नहीं है इसी तरह से अल्कब्रा में भी नहीं मुशतम में भी नहीं मुशतबा में भी नहीं है ये जो रिवायत है ये इमाम की किताब अमलमी वल्ला में है मुनासिब था कि उसकी तरफ इशारा कर दिया जाता ताकि यानी मालूम हो जाता कि किस किताब में है तो हो सकता है कि आदमी गलत फहमी में रहे या तलाश करे न सई में उसको ना मिले और कहे कि शायद इब्न हजर ने यहाँ गलती की है ये न सई में है ही नहीं तो इमाम ने इसको रिवायत किया अपनी एक दूसरी किताब में जिसका नाम है आमलोमी वल रात दिन के अज्कार जो उसमें हैं ये किताब उसी से मुतल है इसमें हदीस नंबर तीन सौ अट्ठावन पर यह रिवायत है लेकिन एक और बात यह भी है कि इसके अल्फाज कदर मुख्तलिफ हैं उसके अल्फाज क्या हैं

ولا من الله मिनई वो कलमा क्या है नंबर एक ला वा بالله और उसी के साथ साथ الله जा मिनई तो यहाँ पर जो लफ्ज़ ज़्यादा है वो एक तो पूरा जुमला है जो नसीह की रिवायत में सही से इजाफ़ा है ऐसा होता है कि कोई रिवायत ऐसी होती है कि, कि किसी एक किताब में उसका एक टुकड़ा होता है और उसका एक हिस्सा किसी और किताब में होता है कोई रावी कोई बात बयान करता है कोई रावी उससे ज़ायद और मुकम्मल बात बयान करता है और कभी दो रावी अलग अलग टुकड़े बयान करते हैं जैसे कि एक इंसान एक जुमा का खुतबा सुने और दस लोग उस खुतबे में शरीक हों और दस से पूछा जाए कि खुतबे में क्या हुआ बहुत मुमकिन है कोई एक आदमी भी पूरी बात नहीं बयान करेगा उसके जहन में जितनी बात रही उसने उतना टुकड़ा बयान किया कहेगा वालदेन के बारे में बताए कोई कहेगा नमाज के बारे में बताए कोई कहेगा फ़लाँ के बारे में बताए तो इस तरह से सारे लोगों की बात जब जमा की जाए तब जाके जुमा का पूरा खुतबा क्या था ये मालूम होता है इसी तरह से अदीस के बारे में ये बात भी जानना ज़रूरी है कि कोई हदीस जब किसी एक रावी से आती है तो उसके मख्तलि टुकड़े मुख्तलिफ़ किताबों में होते हैं उन सब को जमा करना उन तुर्क को जमा करना ये भी हदीस से माना अखज़ करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ होता है और जितने तुरुक जमा किए जाते हैं बात बिल्कुल वाज होती चली जाती है कभी किसी तरीक़ में सिर्फ़ बात होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे तरीक़ में उसका वाकया भी होता है कि कब आपने ऐसा कहा तीसरे किसी तरीक़ में होता है कि इसके अलावा आपने क्या कहा या फिर उसके बाद उस सहाबी ने क्या किया इस तरह से कई बातें मुख्तलिफ़ अदीस में आती हैं इन सब को जमा करने के बाद तब समझ में आता है कि वाकई पूरी बात क्या है इसीलिए अहले इल्म ने इम, इमाम मुस्लिम के बारे में बात कही है कि वो सारे जो तुरुक होते हैं उनको एक के पीछे एक इस तरह से जिक्र करते हैं कि बात निखर के वाज होती चली जाती है हती कि कभी कभी एक लफ्ज़ भी ज्यादा किसी रिवायत में होता है उसको भी वो एक रिवायत मुस्तकिल सनत के साथ ला के उसको जिक्र करते हैं इमाम अब दाऊद का तरीका अलग है इमाम अबूदाऊद रह उनका तरीक़ा ये है कि वो एक रिवायत ज़िक्र करते हैं और फिर उसमें ज़्यादतियाँ रावियों की जो है एक साथ उसी सिया में ले आते हैं तो हर मुहदस का एक तरीक़ा होता है हदीस के बयान करने का उन सब से इस्तः करना ये हमारे लिए सदत है और उनकी खिदमत की कदर करना ये हम लोगों के लिए वाकई शक्र गुज़ारी है अला कुल हाल इसमें शिकायत नहीं करना चाहिए बाज़ात लोगों के जहनों में बात होती ऐसा क्यों नहीं कर दिया वैसा क्यों नहीं कर दिया एक ही किताब में सारी हदीसें क्यों जमा नहीं हो गई ये मुमकिन नहीं है ये मुमकिन आज भी नहीं है आप देखिए इतने साइंसदान रिसर्च करते हैं अलग अलग रिसर्च होती है किसी एक किताब में सारी बातें नहीं आती हैं सारी किताबें कईय किताबें पढ़नी पड़ती हैं तब जाके किसी एक मामले में मसला वाजे होता है आज भी मीडिया के दौर में भी कोई एक वेबसाइट सारी बातें नहीं बयान करता है एक ही मसले में साइंस का मसला हो या हिस्ट्री का मसला हो कईयों वेबसाइट पे आदमी देखता है तब जाके पूरी बात जमा कर रिसर्च उसकी होती है ये क़ियामत तक रहेगा इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते इंसानी काम ऐसा ही होता है तो यहाँ पर यह बात याद रखें कि इबन हजर ने जो इसको ज़िक्र किया है ये दो रिवायतें ज़िक्र की, एक अबू मसाशरी रदी अल्लाह तुकी की जो कि बुखारी मुस्लिम की है लेकिन वही रिवायत अबू हुरैरा रदी अल्लाह त से भी आई है और उसमें उसमें ये ज्यादती मौजूद है इल्ला जामिन बुलुगुल गुलमराम की रिवायत में मलजा लफ्ज़ है जिस जैसे हम अल्तजाज जिससे लफ्ज़ बना हुआ है कि यानी अल्लाह पनाह मांगना आगे वो भी आएगा इन दूसरा जो है ये मंजा का लफ्ज़ आया है यानि सलामती इबन हजर रि फ़रमाते हैं कौल मन्जा मिना नजाई व सलाम यानि सलामती तुझसे नसीब नहीं हो सकती है तेरे अजाब से तेरी पकड़ से हाँ अगर मिल सकती है तो तुझे से मिल सकती है यानी अल्लाह ताला के अजाब से अल्लाह ही बचा सकता है तो इब्ने हजर ने बारी में जल्द नंबर एक सफ़ा नंबर एक सौ बानवे पर यह बात कही है इस रिवायत में ये जो लफ्ज़ है वला मन जा मिन अल्लाही इल्ला अल्लाह ताला के अजाब से पनाह अल्लाह ही से मिल सकती है अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी मुबारकपूरी अपनी किताब तहफ़तलहवदी में कहते हैं वला मंजा बिलिफी अई ला महरबा वला मस भाग के आदमी पनाह लेने के लिए कहीं जाए किसी मुसीबत से या किसी परेशानी से खलासी के लिए नजात के लिए कहीं जाए उसको मंजा कहते हैं जहाँ नजात इंसान को सलामती नसीब हो कहते हैं कि मिन अल्लाई मिनसती ही वकूबती ही इन अल्लाह से पनाह क्या यानि अल्ला रबालमीन हमारे गुनाह हमारी कोताहीियों की बुनियाद पर नाराज़ होकर हमको सज़ा दे उस सज़ा से पनाह अगर लेना है कोई और नहीं बचा सकता है कि अल्लाह के अजाब से बचने के लिए किसी बाबा के पास जाएं अल्लाह के अजाब से बचने के लिए किसी पीर के पास जाएं नहीं या दुनिया में कोई इसबाब इख्तियार करें जैसे नू आ सलाम के बेटे ने क्या कहावी अलाजबलिन यासीमीबिनमां मैं एक पहाड़ पर जा रहा हूँ ये जो जो सैलाब आया है सबको डुबोने के लिए मैं ऊंची पहाड़ी पर जा रहा हूँ और मैं बच जाऊँगा जबलिन यासीमां मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ वो पहाड़ मुझे बचाएगा पानी से मुझे नजात देगा हिफाजत मेरी करेगा कोई हिफाजत नहीं कर सकता अल्लाह के अजब से कहा कि अला अबरुजो इलामती ही एक इंसान से गुनाह कोताहियाँ होती हैं अब उसकी बिना पर अगर सज़ा अल्लाह की तरफ से आ जाए तो क्या करे आदमी खामोश रहे नहीं उस वक्त में भी अगर एक इंसान अल्लाह ताला से तौबा करे अल्लाह ताला को पुकारे अल्लाह से अपने गुनाहों का अतराफ़ करके इस्तफ़ार करे, तो बहुत मुमकिन है अल्लाह ताला उस को रोक ले अल्लाह के अजाब से अल्लाह ही बचा सकता है अल्लाह के सिवा कोई नहीं तो ला वला इल्ला बिल्ला और इसी तरह से वलामन जामिन ये जो कलिमा है ये अर्श के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना है जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है जिसको ये कलिमात मिल गए उसको दुनिया में अल्लाह की हिफाज़त और मदद का एक बहुत बड़ा ज़रिया मिल गया बल्कि उसको अपने ईमान की तकवीत का एक बहुत बड़ा ज़रिया मिल गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, की दुआओं में से एक दुआ का टुकड़ा है आप दुआ करते थे वह आऊदु का मिन का एल्ला मैं तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ मैं कितना प्यारा कलीम गौर करें इसमें यानी कितनी बड़ी बात बयान हो रही है और अल्लाह ताला की रहमत और उसकी यानी उसके अजाब दोनों को का एतराफ़ इसमें है वह बिका मिन का वह बिका में इस बात का इजहार है कि अल्लाह आलमीन नाराज़ होता है तो सजा देता है लेकिन मिन का में अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ किस से तुझसे इसमें यह है कि अल्लाह अगर नाराज़ भी हो जाए तब भी दरवाज़ा खुला हुआ है हिफाजत का कि एक इंसान अल्लाह ताला की तरफ़ रजू करे अगर इंसान से ज़िंदगी में कोतायाँ हो जाए और उसके बाद अल्लाह की तरफ से अजाब आ भी जाए तब भी एक बंदा अगर वाक़ अल्लाह ताला से दुआ करे और गुनाहों से तोबा करे इस्तफार करे अल्लाह ताला से आहुजारी करे अल्लाह को पुकारे अल्लाह से मदद मांगे दुआएँ करे गिड़ तो अल्लाह रबालमीन ही उस तकलीफ़ को दूर कर देता है वो बड़ा रहीम है करीम है गुनाहगार बंदों की तौबा व इस्तिग़फ़ार को उनकी दुआओं को सुनता है तो यह इसमें दोनों बातें हमको मिलती हैं अल्लाह ताला से बेखौफ नहीं होना चाहिए और अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना चाहिए ये मोमिन होता है कि ना अल्लाह ताला से बेखौफ हो जाता है और ना अल्लाह ताला से मायूस होता है तो गुनाहगार को भी अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए और नेक इंसान को भी अल्लाह से बेखौफ़ नहीं होना चाहिए ये दोनों बातें याद रखना ज़रूरी है सही मुस्लिम बात है। ये बात मौजूद है हदीस नंबर चार सौ छियासी पर यह हदीस मौजूद है या दो सौ बाईस नंबर पर मौजूद है कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस बात को बयान किया है और यही बात कुरान में भी मौजूद है अल्लाह ताला फरमाता है इन्नी लखु मिनहु नदी मुबीन इलाहन आख़र इन्नी मिनहु मदीर मुबीन अजारियात की आयत नंबर पचास और इक्यावन है इसमें एक अजीब बात बयान की जा रही है आप देखिए क्या है वफ़िर तो दौड़ो अल्लाह की तरफ सब चीज़ों से फ़रार होकर अल्लाह की पनाह में जाओ अल्लाह की तरफ लपको वफिर रुअल्लाको मन नज़ीर मुबीन यकीन मैं तुम्हें अल्लाह तला की तरफ से डराने के लिए आया हूँ मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक नदीर मुबीन हो खुले खुले तौर पर डराने वाला तो तुम दौड़ो अल्लाह की तरफ मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें डराने के लिए आया हूँ मा अल्लाह इलाहन आखर और हाँ अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद मत बनाना अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद मत बनाना अल्लाह के साथ किसी और को भी मबूद तस्लीम मत करना वाला थज आलुमा आखर इखुमन नदीर मुबीन मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें एक खुले तौर पर डराने वाला इंसान अब देखिए दोनों आयतों में ये कहा जा रहा है कि मैं नज़ीर मुबीन हूँ किसकी तरफ से अल्लाह की तरफ़ से तुम्हें डराने के लिए आया हूँ डराया जा रहा है किससे? अल्लाह से लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दौड़ो किसकी तरफ अल्लाह की तरफ, अल्ला तरफ। यानी अल्लाह से डर के कहाँ भागना चाहिए अल्लाह के अल्लाह के खौफ से खौफ ज़दा होकर अल्लाह से डर के अल्लाह ही की तरफ़ भागना चाहिए ये मोमिन होता है उसके दिल में दोनों चीज़ें होती हैं यदना रन वराबन वकानौलाना ख़्वाइन इन ननफुल्ख़ैरा थी वदना ऱबन व रााना ख़्वाशी अल्लाह के नेक बंदे वो थे अम्बिया सालहीन। उनका हाल ये था कि वो नेकियों में मुसारात करते थे एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे जल्दी करते थे तखिर नहीं करते थे और वह रगबन व रहबन और वो हमारे बंदे ऐसे थे कि हमें पुकारते थे रगबत के साथ और डर और खौफ के साथ वह कानूलना ख़्वाशीन और वो हमारा बहुत ही अदब व तज़ीम करने वाले थे खुशु वाले लोग थे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला से खौफ़ और अल्लाह उम्मीद अल्लाह के अजाब से खौफ़ और अल्लाह के रहमत से उम्मीद ये दोनों चीज़ें बंदे के दिल में जमा होनी चाहिए और जब खौफ ज़दा भी हो तो उसको भागना कहाँ है उसे अल्लाह की तरफ़ भागना है क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई बचा सकता नहीं ये सूर अदारियात की आयत नंबर पचास और इक्यावन है सूरतमिन में अल्लाह ने बात बयान की कि ये बात मुशर्किन भी मानते थे अरब के आज एक मुसलमान को माब अवला इसको याद रखना चाहिए अफसोस के बहुत सारे लोग मुसीबत के हालात में अल्लाह के बजाय या गौ सलमद याली मुश्किल कुशा या इस तरह की बातें करते हैं कितना अफसोस है कितने क़ुदरत वाले अल्लाह को छोड़ कर एक आदमी किसी और आजिज़ बंदे को पुकारे जो फ़ौत हो चुका है हयात भी उसमें नहीं है आगे वो बात भी आएगी है, मन कुल युजार इन शरमाता है तोहरून सूरत आयत नंबर अट्ठासी और नवासी एटी एट एटी नाइन अल्लाह फरमाता है ए नबीन मुश्किन से पूछिए कुल मम बदी बी यदी ही मलकोतुल्ली शई कौन है कि सारे ख़ज़ाने सारी बादशाहत उसके हाथ में हैं सारे खजाने उसी के हाथ में हैं सारी बादशाहत उसी के हाथ में हैं हर चीज़ के ख़ज़ाने उसके हाथ में हैं मलकोतकई और उसका हाल यह है कि वह वह युजार वला युजार कि वह ऐसा है कि सब के मुकाबले में वो अकेला पनाह दे सकता है लेकिन उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता है सब से वो बचा सकता है उससे कोई बचा नहीं सकता है वह व युजीर वुजार ही इनकुन तुम तालमून। अगर तुम जानते हो वाकई, तो बताओ सैको लूनिल्ला वो यकीन जवाब यही देंगे अल्लाह अल्लाह ही ऐसा है कि वो उसके हाथ में सारी चीज़ों के ख़ज़ाने हैं और वो पनाह देता हैं और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता सैकली कहेंगे ये मामला अल्लाह ही के लिए है ये मकाम अल्ला ही के लिए है सैकोल्ला या ये सारे ख़ज़ाने अल्ला ही के हाथ में हैं सैको ही कुल्फ़ अन्ना तोहारून तो आप इनसे कहिए कि फिर कहाँ से तुम पे जादू होता है कहाँ से तुम पे जादू किया जा रहा है तुम पे जादू है कि जैसे एक इंसान मशहूर हो दीवानावार होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहा है या उसे महसूस होता है कि मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं है क्या तुम पे जादू हुआ है कि तुम अल्लाह सब अल्लाह के बारे में सब कुछ जानते हो फिर उसके बाद बुतों के आगे अपने आप को झुकाते हो उन्हें मदद के लिए पुकारते हो उनकी नज़र नियाज करते हो अल्लाह के बराबर अल्लाह की इबादत में उनको शरीक करते हो कहीं तुम पे जादू हुआ है कहाँ से जादू हुआ है यहाँ पर आप देखिए कुरान में अल्लाह ने फ़रमाया वह व युजी रु अलाजा कि पनाह देने वाला अल्लाह है किसके मुकाबले में पनाह देता नहीं कहा कोई ऐसा नहीं जिसके मुकाबले में अल्लाह पना नहीं दे सकता है हद तक ख़ुद अल्लाह अगर अल्लाह खुद अजाब दे दे, भेज दे और बंदा अल्लाह की तरफ लपके और पनाह मांगे अल्लाह ताला अपने अजाब से भी पनाह देता है इसीलिए लिए कहा वह भी कमिन का मैं तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ मैं तुझसे तेरे गुस्से से तेरे अजाब से, से तेरी सजा से तेरी अकूबत से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि तू ही मुझे बचा ले तेरे गुस्से से तो ही मुझे बचा ले तेरे अजाब से तो बंदा हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ लपकता है मतव होता है इन दोनों क़लिमात में लावलावतः अला बिल्ला में अल्ला रबालमीन के लिए क़त और कुदरत का इस्तात और बाकी तमाम के लिए मोहताजी और आजिज़ी का ज़िक्र है और फिर उसके बाद ये है कि एक इंसान को अल्लाह ही से पनाह तलब करना चाहिए इसलिए कि अल्लाह हर शर से पनाह दे सकता है अल्लाह की तरफ़ से आए हुए अजाब और पकड़ से कोई पनाह नहीं दे सकता है तो ये जो ज़िक्र है ये बहुत ही प्यारा ज़िक्र है लेकिन बात यह है कि जो भी अजकार हम पढ़ते हैं उन्हें बतौर रस्म नहीं पढ़ना चाहिए वाकई आदमी दिल में उनका इसतज़ार रखे जो मानी उनसे हमारे सामने आते हैं उन मानी के इसतज़ार के साथ में वो अजकार करने चाहिए तो ये हदीस नंबर दस्त थी जो हमने देखी और अगर अहिल का कलाम आप पढ़ें तो उसमें और भी बातें इस तल्लुक से मिलेंगी आगे बढ़ते हैं और हदीस नंबर ग्यारह देखते हैं चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम है इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मवाद होता चला जाए हदीस नंबर ग्यारह हज़रत नमान इब्ने बशीर रदी अल्लाह तु और हज़रतानस अब्न मालिक रदी अल्लाह से मरवी है क्या अल्फाज हैं ये दो रिवायतें हैं जो एक साथ इब्न हजर ने जमा किए हैं वे अगर चाहें तो उसको दो हदीसें अलग अलग भी माने क्योंकि और महदसिन का यही तरीक़ा है बल्कि वह तो ज़िमनन कोई रावी होता है उसको भी अलग हदीस पकड़ते हैं यानी हज़रत अनस ही की रिवायत हो लेकिन उनके बाद कई रावियों ने उसको रिवायत किया हो तो मुहदसिन उसको भी अलग रिवायत शुमार करते हैं क्योंकि मुस्तकिल वो अलग रिवायत है अलग एक यानि ख़बर है जो किसी से आई है व नमान इब्न बशीर रदी अल्लामा आन नबी सकाल दुआ दुआल इबादा औरबै वाहिर मिदी वाह मिन हदीफ अन बिलव बिलव अदवा मुख़ल इबाद और कहते हैं कि फ़रमाते हैं कि नमानब्न बशीर अली से रवायत है और वह अल्लाह के रसूल सल्लाम से ये बात नक़ल करते हैं आपने फ़रमाया कि दुआ ही इबादत है दुआन इबादत है अदवाबाद दुआ ही तो इबादत है और कहते हैं कि रवा उलरबा चारों ने इसको रिवायत किया है चारों कौन हैं चारों से मुराद अबू दाऊद तिरमिदी नसई और इब्न माजा बुलमराम में एक ख़ास अतिला है इब्न हजर की वो जब कहेंगे कि अरबा ने इसको रिवायत किया से मुराद अबू दाऊद तिरमिदी नई इब्न माजा ने इसको रिवायत किया है ख़मसा कहें तो इससे मुराद इमाम अहमद भी उसमें शामिल हो जाते हैं तो ये चारों ने इसको रिवायत किया और वह सहु आतमिदी और इमाम तिरमिदी ने इसको सही कहा है लहू मिन अनस और उन्हीं से हदीस अनस भी मरवी है उन्हीं से मुराद इमाम तिरमिदी से क्योंकि आखिरी जिक्र उनका है और तस्ह उनकी जिक्र की जा रही है तो इमाम तिरमिदी ही से एक रिवायत और आई है जो हज़रत अनस की तरीक़ से है पहली नौमान बशीर से थी अब दूसरी हदीस अनस से है उसके अल्फाज क्या हैं अदुआ व मुखल इबाद दुआ इबादत का मगज़ है मुख कहते हैं किसी भी चीज़ का कोर जिसको आप कहें उसका मगज जो होता है तो दुआ मगज़ है इबादत का और दुआ उ मुख़ल इबाद तो ये दोनों हदीसें इबन हजर रहम् ने दुआ की तज़ीम में दुआ की अज़मत में बयान की है लेकिन एक दूसरा नुक़ँ उसमें यह भी है कि दुआ इबादत है तो ये ज़्यादा अहम यहाँ पर नुकता है जिसको याद रखना ज़रूरी है क्यों इसलिए कि दुआ ही में अमूमा आज शर्क होता है आदमी अल्लाह के सिवा और पहले भी होता था अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारना अपनी हाजात के लिए आज भी एक आदमी कलीमा पढ़ने के बाद तोहैद का इकरार करने के बाद भी अल्लाह के मां सिवा को पुकारता है और वो शिरक अकबर का मरतकब हो जाता है जिससे आदमी इस्लाम से, से ख़ारिज हो जाता है खसूसा क़ब्र में मदफ़ून अलियाः को पुकारना और उनसे अपनी हाजात पूरी करवाना यानि एतक़ाद रखना पूरी तो कोई करता नहीं है लेकिन ये एतक़ाद रखना कि वो हमारी हाजत पूरी करेंगे ये नीयत रख के उनको पुकारना कि वो सुनते हैं और हाजत पूरी करते हैं मसाइल हल करते हैं बेड़ा पार करते हैं मुश्किल कुशा हैं ये जो चीज़ है ये शिरक अकबर है ये अल्लाह की रबूबियत में भी उनको शरीक करना है और अल्लाह ताला की उलूहियत में भी उनको शरीक करना है इस एतक़ाद की वजह से कि ये अता करते हैं ये रबूबियत में शिरक है और इस एतबार से कि आदमी उनसे उनको पुकारें ये उलूियत में शिरक है क्योंकि ये इबादत है और अल्लाह के इलाह नहीं माना जा सकता है ना इलाह वाला मामला उससे कर सकते हैं चाहे इलाह माने या ना माने इलाह तो मानता नहीं है लेकिन वाकई मामला उसके साथ वैसा कर रहा है जो इलाह के लिए खास है तो उन्हें बनाया ना उसने इलाह बनाया उसने उनको तो याद रखना चाहिए इसको तो ये दोनों हदीसे हैं लेकिन पहली हदीस सही है और दूसरी सनत के अतबार से ईफ़ है अद्वाम इबादा हदीस सन्त के अतबार से ज़यीफ़ है क्यों इबन इम शेख़लबानी रहम फरमाते हैं अखरजहत्तिर मिदी वक़ाल हदीसुन रीब मिनहदलवी ला नारिफ़ हुन हदीसी इबन लिया मिन हदीसी इबन लिया कहते हैं कि इस हदीस को इमाम इमामदी ने रिवायत किया है हदीस नंबर दो हज़ार दो सौ चौंतीस और कहते हैं कि इमाम तिरमदी कहते हैं कि यह हदीस इस तरीक़ से इस वजह से गरीब है यानी एक ही रावी ने उसका रिवायत किया है कौन ला नारिफ़ हो من حديث इबन लाँ इबन लहिया ही के तरीक़े से हमको यह हदीस मिली है इबन लहिया रावियों में से एक रावी है शेख अलबानी कहते हैं कुल तुह व लोही कहते हैं इबन लहिया यह रावी ज़यीफ़ है अपने बुरे हाफ़ज़े की वजह से जिस रावी का हाफ़ज़ा ख़राब हो वो वो ज़यीफ़ होता है कभी कभार उसको वहम हो जाता है तो उससे ज़यीफ़ नहीं होता उसकी हदीस हसन दर्जे की होती है लेकिन ऐसा रावी जो आम तौर से बुरे हाफ़ज़े के लिए मारूफ़ है ऐसे रावी की हदीस ज़ैफ़ होती है कहते हैं किल तो वीफ़न लिस ही फयुस्तब ही रिवायत अहदिल आबादिल कहते हैं कि इससे इस्ताद किया जा सकता है यानी इसकी हदीस के माना में अगर कोई और हदीस हो तो उस हदीस को लिया जा सकता है सपोर्ट अगर उसको मिलता है तो इलामा का नमिन रिवायत अबादलत हाँ लेकिन अगर अबादिला जो चार रावी हैं अब्दुलबिन ज़ुबैर और इसी तरह से और दूसरे चार रावी हैं अब्दुल्बिन अब्दुल्बमा माफ़ करना अब्दुल्बिन ज़ुबैरनी अब्दुल्लाबन इब मुबारक और इस तरह से दूसरे चार रावी हैं जिनका नाम अब्दुल्ला आता है तो ये जो चार रावी हैं इन ये अगर रिवायत करते हैं इबन लहिया से तो फिर उनकी रिवायत मोतबर मानी जाती है उनकी रिवायत मोतबर मानी जाती है बाज़ालमां ने और ख़ुद शेखलबानी ने कुही बाबन सईद को भी इसमें शुमार किया है तो ये चार जो रावी हैं इनकी रिवायत मकबूल होगी क्योंकि इन्होंने वही रिवायतें रिवायत की हैं जो काबिल अतम हैं तो उनकी रिवायत ली जा सकती है और काबिल अतमाद मानी जाएगी उनके अलावा नहीं उनके अलावा अगर कोई रिवायत है तो फिर अगर सपोर्ट में है तो लिया जा सकता है वरना नहीं कहते हैं फयोह तजुब ही हिना दिन हाँ अगर आबादिला से रिवायत मिलती है तो उस रिवायत को लिया जा सकता है वलई साहद हाँ लेकिन ये रिवायत उनमें से नहीं है आबादिला में से किसी ने इस रिवायत को रिवायत नहीं किया है लाकिर माना हो सही है लेकिन कहते हैं कि लेकिन इसके माना क्या है माना सही है माना इसके सही है हदीस भी इसलिए कि हदीस नमान भी हमारे पास है उसकी दलील से बात साबित हो जाती है कि दुआ इबादत है तो मानवीय अतबार से तो सही है लेकिन सनत के एतबार से सही नहीं है अकामजनाइज़ में ये बात शेख अलबानी ने कही है इसी माना में एक और हदीस है जो इबन अब्बा से भी है अबू हुरैरा और इसी तरह से नमान इबन बशीर से इब्न साद ने भी इसको रिवायत किया है क्या अल्फाज हैं अफदलबती अदा सारी इबादात में सब से अफजल इबादत अगर कोई है तो दुआ है अफदलबाद अदुआ सारी इबादात में सब से अफजल इबादत दुआ है तो सईल जाम सगीर हदीस नंबर एक हज़ार एक सौ बाईस पर शेख अलबानी कहते हैं कि हदीस सही है शेख अबिन फरमाते हैं यानी यानि कुल्लु इंसानिन यहबिद हर इंसान जो दुआ कर रहा होता है वो अल्लाह का इबादत करने वाला होता है वो इबादत भी कर रहा है वह कुल्लु इंसानिन याबुदाइन और हर इंसान जो अल्लाह की इबादत कर रहा है वह अपने हाल से अल्लाह को पुकार रहा है अल्लाह को पुकारने के दो तरीक़े हैं एक तो ये कि एक इंसान अल्लाह ताला को अपने मकाल से पुकारे अल्फाज में अल्लाह ताला से दुआ करें एक ये है कि एक इंसान अपने हाल से अल्लाह से दुआ करे। उसका हाल ही ऐसा है जैसे मिसाल के दुनिया में भी आप देखेंगे कि एक आदमी फकीर है मसलन किसी मालदार के पास आता है कहता है मैं मोहताज हूँ मेरी मदद कीजिए मुझे कुछ दीजिए भूखा हूँ दो दिन से तो ज़ुबान से बोल रहा है लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप देखिए गाड़ियों में आप बैठे होते हैं हमारे मुल्कों में आम तौर से और चौक में गाड़ी रुकती तो फकीर आके चुपचाप सामने खड़ा होता है एकदम छोटा मुँह बना के बस वो अपने हाल से बता रहा होता है कि मैं मोहताज हूँ मेरी मदद कीजिए वो कुछ बोलता नहीं कभी गूंगा भी होता है तो वो अपने हाल से सामने खड़े हो के मांग रहा है इसी तरह से बाज़ात बंदा अपने अमल से अल्लाह ताला से दुआ करता जितनी इबादात हैं वो सारी के सारी अल्लाह रबालमीन के सामने अपनी बंदगी का इकरार और अल्लाह से अजर सवाब और दुनिया में अता का यानी का मुतालबा होती है तो अपने हाल से अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है तो जितनी इबादत हैं वो ये अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर मोहताजी का इजहार करना होता है कि अल्लाह हमको अता कर दुनिया में भी और आख़रत में भी तो कहते हैं कि वह कुल्लु इंसान या बुध वह हर इंसान जो अल्लाह की इबादत कर रहा होता है व से दुआ भी कर रहा होता है खूस नमाज जैसे अमाल और इबादत में जिसमें कलिमात में भी दुआ है नमाज की शुरू में भी दुआ है अल्लाबातबैनीबैन कमअबीन अमशरक़ालमगरब दुआ है और अख़ीर में भी दुआ है चाहे वन तवज़ हो या इसी तरह से अलामिन तोीरा तो ये दुआ हो तो उसमें भी दुआई हैं इसतार है अल्लाह से मुतालबा और तलब है तो नमाज में भी और इसी तरह से कई अमाल हैं हज है और इस तरह से बहुत सारे अमाल जिसमें दुआ होती हैं तो कहते हैं कि कुल इंसान यादों फ़हआ आबिद वकुल इंसानिन याबुदु फ़हअ दाइन यानी दुआ इबादत है तो इबादत दुआ है और दुआ इबादत है ये बात इसे मालूम होती है फ़त्दुलजला दिल जला करॉम में इबाद शेख अब्निमी ने कही है यहाँ एक बहुत अहम नुक़ा याद रखना है वो ये कि जब एक बंदा किसी से किसी को मदद के लिए पुकारता है वो उससे दुआ कर रहा होता है तो एक इंसान जब अमवाद को पुकारता है कब्रों में मदफून अलिया को पुकारता है तो ऐसा इंसान उनसे इल्तिजा कर रहा है और ये उनकी इबादत करने में शामिल है ये उनसे उनकी इबादत करने में शामिल है अल्लाह ताली क़ुरान करीम में फ़रमाता है वक़ाल रबुक मदरूनी अस्तजब लकुम इन लदीनः इस तकबिर ना इबादती सैदू न और तुम्हारे रब का फ़रमान है वक़ाला रब उदी इसजब लकुम तुम्हारे रब का फ़रमान है तो मुझसे दुआ करो तो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा इसतजब लकुम इदीन इस तकबरू नायन इबादति <अद्थी> हाँ और वो लोग वो लोग जो मेरी इबादत से तकबर करते हैं घमंड करते हैं सैद खुलूना जहन्नम जहन्नम अन करीब वो जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे सुर गाफ़िर या सुर मुमिन आयत नंबर साठ इस आयत में आप देखें शुरुआत हो रही है दुआ से और आयत ख़त्म हो रही है इबादत पर शुरू में कहा जा रहा है कि तुम्हारे रब का फरमान है तुम्हारे रब का हुक्म है कि तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा तो बात दुआ की हो रही है लेकिन फ़ौर बात चल रही है इबादत की वो लोग जो मेरी इबादत से यानी मुझसे मुझे पुकारने में मुझसे दुआ करने में घमंड करते हैं मुझे अपना मबूो तस्लीम नहीं करते हैं और मुझसे दुआ नहीं करते हैं अपने को मुस्तगनी समझते हैं तो उनका उनकी सज़ा क्या है वो जहन्न में जलील करके दाखिल किए जाएँगे क्यों जिल्लत मिलेगी घमंड की वजह से दुनिया में बड़े बने अल्लाह ताला आखरत में उनको जलील करके जहन्नम में दाखिल करेगा तो इस आयत में आप देखेंगे कि उदौनी में दुआ का हुक्म है और अन इबादती में इशारा इस तरफ है कि वो जो दुआ जिसकी बात हो रही है ना वो अल्लाह की इबादत है तो तू दुआ से घमंड कर रहा का मतलब अल्लाह की इबादत से घमंड कर रहा है तो अल्लाह से दुआ करने से अगर घमन कर रहा है अपने को उससे ऊँचा मानता है कि मैं क्यों मांगूँ मेरे पास तो सब कुछ है तो अगर तो इतना अपने आप को मुस्तगनी मानता है तो तो अल्लाह की इबादत से घमन कर रहा है और ऐसे इंसान के लिए जो घमन करे खूसा अल्लाह के मुकाबले में जिल्लत के सिवा और जहन्म के सिवा कोई रास्ता नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात इस आयत में बयान की गई है मज़ीद ये कि इसमें अल्लाह की तरफ़ से हुक्म और वादा दोनों हैं इसमें हुक्म और वादा दोनों हैंक्म है दुआ का और वादा है कबूलीत का और ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताली हुक्म दे वादा करे और वादा पूरा ना करे मज़द इसमें न सिर्फ़ ये कि वादा है बल्कि वईद भी है वादा कबूलियत का है और वईद है दुआ न करने पर जहन्म का और जिल्लत का लिहाजा इंसान की इज़्ज़त अल्लाह के आगे जिल्लत इख्तियार करने में है और उसकी जिल्लत अल्लाह के आगे अल्लाह के मुकाबले में इज्जत वाला बनने में है याद रखें इसको इंसान की इज्जत अल्लाह के सामने ज़िलत और आजज़ी में है और इंसान की ज़िल्त अल्लाह के आगे इज़्ज़त वाला बनने में है कि मैं बड़ा हूँ मैं इज़्ज़त वाला हूँ मैं क्यों मांगूँ मैं क्यों झुकूँ अल्लाह को ये पसंद नहीं है अगर इज़्ज़त चाहिए तो अल्लाह के सामने अपने आप को जलील करना पड़ेगा अल्लाह के आगे झुकना पड़ेगा अल्लाह के आगे हाथ पसारने पड़ेंगे ये ज़िल्लत जब अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह के सामने इख्तियार करेगा अल्लाह तौ इसके बदले में तुझको इज़्ज़त देगा तो इज़्ज़त दुआ करने वालों के लिए है अल्लाह तला क़रण करीब में फरमाता अब दूसरे कौन लोग हैं अल्लाह से दुआ करते हैं लेकिन गैर अल्लाह से भी करते हैं अल्लाह से भी मांगते हैं हम करते हैं अल्लाह से दुआ करते हैं ठीक है लेकिन अल्लाह के अलावा भी मांगते हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या है अल्लाह ताला फरमाता है वमन वन मजीबुल्क़िया वह दुआलून और उससे बढ़ के गुमराह कौन होगा उससे बढ़ के भटका हुआ और कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारें ऐसे को जो क़ियामत के दिन तक उसकी दुआ को सुन नहीं सकता है मल्लास्तब अलाम क़ियाम उसकी दुआ को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है क़ियामत के दिन तक उसका जवाब नहीं दे सकता है। उस पर आता नहीं कर सकता है बल्कि उसको सुन भी नहीं सकता है क्यों वह मन दुआ इम गाफिलूनून वो तो सिरे से उनकी दुआ से गाफ़िल हैं वो तो उनकी दुआ ही से गाफिल हैं वो अब यहाँ देखिए होम कहा जा रहा है और गाफिलून गफ़लत जी शुर के लिए होती है पत्थर के लिए कैसे कहा जाएगा गाफ़िल पत्थर कि जो इंसान पुकारे और वो सुने तो वो सुनने वाला गफलत में है कहा कि वह हम दुआ इम गाफ़िलून वो तो उनकी दुआ से सिरे से गाफ़िल हैं वह इदा खुशर नासहम आदा और जब हशर में इन्हें जमा किया जाएगा क़ियामत के दिन तो जिनको पुकारा जा रहा है जिनको दुनिया में ये लोग पुकारते थे वो लोग पुकारने वालों के दुश्मन बन जाएंगे वकान ब इबादत ही माफरीन और उनकी इबादत का सिरे से इनकार कर देंगे उनकी इबादत के मुनकिर हो जाएंगे सूरत अहकाफ़ आयत नंबर पाँच छः ये बहुत अहम आयत है जो हमें से हर एक को याद होना चाहिए क्या फरमाया इसमें अब देखिए इसमें एक यानी बात ग़ौर करने की है शुरुआत भी दुआ से हुई इसमें भी इसमें भी ऐसी हुआ कि शुरुआत दुआ से हुई और ख़त्म हो रहा है इबादत पर कैसे वमन अवल्लू उससे बढ़ के गुमराह कौन होगा ममन यद मंद उससे बढ़ के गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा किसी से दुआ करें किस से दुआ करें जो कयामत के दिन तक उसकी पुकार को नहीं सुन सकता उससे गाफ़िल है उनकी पुकार से गाफ़िल हैं और हशर के दिन जब जमा किया जाएगा तो वह उनके दुश्मन हो जाएंगे वह कानो बे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे शुरुआत दुआ से हो रही है और आखिर में क्या कहा जा रहा है इबादत के मुनकर हो जाएंगे मालूम है कि इबादत क्या है दुआ इबादत है अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना उनसे दुआ करना उनकी इबादत करना है जैसा पहली आयत में था इस आयत में भी दुआ के बाद उसको इबादत शुमार किया गया है तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह के सिवा एक इंसान अगर किसी से दुआ कर रहा है जो अपनी क़ब्र में रख दिया गया हो और यहाँ से वो उसको पुकार रहा है वो तो गाफिल है इससे इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वह हम आन दुआ इम गाफिल जो लोग क़ब्र में मदफून हैं वो दुआएं सुनते नहीं हैं क़ुरान की आयत है वह हम आन दुआ इहम गाफिलून कोई कहेगा नहीं ये तो पत्थर हैं पत्थर भी शामिल हैं कह सकते हैं कि भाई अल्लाह के सिवा जिसको पुकारा जाए उसमें पत्थर भी आते हैं पेड़ भी आते हैं सब कुछ आता है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ओदा ना सुन आदा जब हशर में जमा किया जाएगा लोगों को तो ये इनके दुश्मन बन जाएंगे हशर में क्या पत्थरों को जिंदा किया जाएगा पेड़ों को जिंदा किया जाएगा नहीं बल्कि हशर के दिन इंसानों को जमा किया जाएगा जिन्नात को जमा किया जाएगा तो हशर के मैदान में ये इनकार कर देंगे उनका तो ये जो बात हो रही है कि ये दुश्मन बन जाएंगे पत्थर दुश्मन बनता है किसी का कौन दुश्मन बनेगा ये सारी सिफात उन लोगों के लिए है जो जीशर लोग हैं गफलत का ज़िक्र किया जा रहा है हशर में जमा किए जाने का दुश्मन बनने का इनकार करने का ये कौन लोग हैं ये वही लोग हैं जो दुनिया में जिंदा थे उनकी वफात हो गई और वह अपनी ख़बरों में मदफू और गाफ़िल हैं नम का नरूस सो जा जाब ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता है मैत को इस तरह से कहा जाता है तो वह वह हम आन दुआ हिम गाफिल तो कहा कि तुम्हारी दुआ से गाफ़िल हैं ये तो ये जो आयत बताती है कि जो आदमी इस तरह से किसी को पुकारता है जो कब्रों में है ये आदमी गुमराही के बदतरीन रास्ते पर है और ऐसा इंसान उनकी इबादत कर रहा है कब्र वालों को पुकारना उनकी इबादत करना है आय खुद बता रही है बाद लोग कहते हैं कि देखिए महदसिन ने या मुफसरीन ने इसमें बुतों का जिक्र किया है उसमें तहदीद नहीं है बुतों का ज़िक्र करने में बुतों की तहदीद नहीं है बतौर मिसाल उनको जिक्र किया जा रहा है इसलिए कि पहले आम तौर से वही चलता था लेकिन क्या कब्र परस्ती इसमें नहीं आएगी भाई कोई आदमी मिसाल कहे कि हाँ ये बुतों के लिए आया अब कोई आदमी अगर सितारों को पुकारे तो कोई आदमी अगर पेड़ों को पुकारे बुत हैं वो अब हम वो कह सकता है नहीं भाई कुरान में ये जो आए थे ना मुफसरीन बुतों का जिक्र किया है और मैं तो अंगूठी को पुकार रहा हूँ मैं परियों को पुकार रहा हूँ या किसी और चीज़ को पुकार रहा हूँ तो क्या वो नहीं आएगा इसमें सोचने की चीज़ है वो जो बुतों का जिक्र है बतौर मिसाल है लेकिन अल्लाह के सिवा जिस किसी को पुकारता है इंसान अमवाद को पुकारता है और वो भी जो बुत थे अमूमा वो बुत क्या थे वो कोई ना कोई शख्स था नाम की कौम का मामला आप देखें पांच जो लोग थे वद सुवा यूस यूक और नसर वो कौन थे वो फ़र्जी ख्याली लोग नहीं थे बल्कि वो उस समाज के अफरा थे सालहीन थे नेक लोग थे उनके बुत लोगों ने बनाए और उनसे मांगने लगे तो उनके नज़दीक वो बुद्ध जो थे वो उन्हीं के रिप्रजेंटेटिव थे वह अपने गुमान में उन लोगों को पुकारते थे ना कि फी नफसी उस पत्थर को उनको तो इतना मालूम था ना कि असल पत्थर ये नहीं है इसके ज़रिए से हम उनको पुकार रहे हैं जो वाकई लोग हैं और वो हमारी सिफारिश करेंगे वो तो पत्थर के बुत उनके नुमाइंदा थे याद दहानी के लिए तो याद रखें आज भी बहुत सारे मुशरकिन इसी तरह से कहते हैं कि ये थोड़ी ना है ये तो हमारी जो है कॉन्सनट्रेशन के लिए हम इसको पुकार रहे हैं वरना असल में हम उसको पुकार रहे हैं जो ये पत्थर जिसको जिसका नुमाइंदा है ये शिरक है ये शर्क है जायज़ नहीं है तो इस आयत में ये बात मिलती है कि अल्लाह के सिवा अगर किसी और से दुआ करते हैं तो ईशर के अकबर है और क़ियामत के दिन जितने अलिया हैं जिनको आज पुकारा जा रहा है वो ख़ुद इनकार कर देंगे वो इनके दुश्मन बन जाएंगे कुरान करीम में ताला फ़रमाता है यू लिजुल्लफ़िन नहारू लिजुल नहार्लईल अल्लाह तो वो है जो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल कर देता है यानी रात का वक्त दिन में आ जाता है दिन का वक्त रात में आता है यानी कभी दिन बड़ा हो जाता है और कभी रात बड़ी हो जाती है दिन का टुकड़ा रात के हिस्से में आ जाता है रात का टुकड़ा दिन के हिस्से में चला जाता है ये कौन करता है रातें कभी बड़ी सर्दियों में रात बड़ी होती है गर्मियों में दिन बड़े होते हैं कौन करता है ये अल्लाह करता है वह सख्म सवल कमर और वही तो है जिसने सूरज और चाँद को पाबंद बना रखा है बराबर पाबंदी से महीने के मनाजिल चाँद तय करता है और दिन के मनाजिल सूरत तय करता है सुबह दोपहर शाम और चाँद जो है मुख्तलिफ़ मराहल तय करते एक महीने का सफ़र तय करता है कुल्लू अजरीली अजली मुसम्मा हर एक अपनी यानी रवा दवा हैं एक मकर वक्त तक के लिए अल्लाहु ालमल मुल्क ये अल्लाह है तुम्हारा रब सारी बादशाह उसी की है वल्लीन तद निन दून मा लिकू नमिन कतमर और अल्लाह के स्वा जिनको तुम पुकारते हो वो कितमीर के भी मालिक नहीं हैं खजूर की गुठली पर जो परत होती है या जो गिलाफ होता है उसके भी मालिक नहीं हैं इन तदम लास्मआ दुआम अगर उन्हें पुकारो तुम्हारी दुआ वो सुनते नहीं हैं वल उमस्तलकुम और अगर सुन भी लेते बिलफर्ज़ अगर सुन भी लेते तो तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं दे सकते तुमको अता नहीं कर सकते वुमल्क़ियामत यकफ़रून अभी शर्की कम और क़ियामत के दिन व तुम्हारे शिरक का साफ इनकार कर देंगे वलायुनब वकमसलबीर और तुम्हें ख़बर रखने वाले से बेहतर कोई बता नहीं सकता है वलायू नब वकामबीर एक ख़बीर जो अल्लाह जिसको सारी चीज़ों की ख़बर है उसके जैसा कोई बता नहीं सकता है इतना अच्छे तरीके से वह तुमको बता रहा है या ना सन्तुम्लफ़रा वल्लाहमीद ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के सामने फ़क़ीर हो महताज हो ये अल्लाह है जो गनी है किसी का मोहताज नहीं और हमीद है तारीफ़ के लायक है उसके पास कोई ऐब वाली बात नहीं है सारी खूबियाँ ख़ूबियाँ उसके लिए हैं सुर फातिर आयत नंबर तेरह से लेके 15 पंद्रह तक आप पढ़िए। क्या बात बयान हो रही है तुम उन्हें तुमने पुकारो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते कोई भी हो नहीं सुन सकते हैं। और अगर सुन भी लें तो तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे सकते हैं और उनके पास कितना है वदीन तदन मिन दून ही माए अमलून मिन कितमीर खतमीर के भी मालिक नहीं है वो खजूर के ऊपर की गुठली खजूर की गुठली के ऊपर का छिलका उतना भी उनके पास नहीं है कुछ नहीं दे सकते दे सकता है तो अल्लाह दे सकता है और तुम मोहताज किसके हो अल्लाह के हो अल्लाह के मोहताज हो कोई कहे कि नहीं हम तो मांगते हमको मिलता है हमारा तजर्बा है मुजरब है हाँ मुजरब बहुत बड़ा लफ्ज़ बोलने से बात सही हो जाती मुजरब है हमने जब भी मांगा मिला यही बात अगर बुत से मांगने वाला आपसे कहे उसकी बात की तस्दीक करेंगे कि मैं भी अपने बुतों से जब मांगता हूँ मुझे मिल जाता है और मैं जो थोड़ा मांगता हूँ मुझको ज़्यादा मिलता है अब आप बताइए क्या बोलेंगे क्या उसके भी तजर्बे की आप तस्दीक करेंगे वो भी कहे मेरा भी मुजरब है आपका मुजरब तो मेरा भी मुजरब है डबल मुजर्रम मैं मांग तो मेरी पूरी फैमिली को मिलता है क्या कहेंगे आप तस्दीक करेंगे उसकी नहीं कहेंगे देता अल्लाह ही है लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि बुद्ध देता है अच्छा और आपको दूसरे देते हैं वही बात जो उससे जान छुड़ाने के लिए आप बोल रहे हैं आप अपने लिए कैसे नहीं याद रखते याद रखना चाहिए इसको अल्लाह ताला क़ुरान करीम फ़रमाता है वल्लिन अमिन वहुम वमलकून जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो किसी चीज़ के खालिक नहीं हैं वो बल्कि है। वो ख़ुद मखलूक हैं वो ख़ुद मखलूक हैं वो खालिक नहीं हैं अमवातन गैर वो अमवात हैं जिंदा नहीं हैं वमाँ यह श अया न युबून और उन्हें तो इसका भी शौर नहीं कि उन्हें कब वापस ज़िंदा करके उठाया जाएगा ये किसके बारे में बोला जा रहा है पत्थरों के बारे में पत्थरों को क़ियामत के दिन पत्थर ज़िंदा हो जाएगा हिसाब के लिए आएगा वमा यह शो न अय्या यू बैतूल उन्हें तो इसकी इसका भी शौर नहीं कि कब उन्हें तो ये भी मालूम नहीं है इसका भी एहसास नहीं कि वापस कब उठाया जाएगा किसके बारे में बोला जा रहा है ये तो कब्रों में जो लोग हैं उनके बारे में बोला जा रहा है आयत पूरी बता रही है और इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह के कि सिवा किसी मखलूक को मत पुकारो खालिक को पुकारो जब तुम्हारे पास खालिक को पुकारने का मौका है तो मखलूक़ को क्यों पुकारते हो खालिक को पुकारो और अमवात ग ग़ैर अमवात हैं वो ज़िंदा नहीं हैं अमवात हैं जिंदा नहीं हैं तो उनके बारे में कहा कि वो अमवात हैं बाद कहते है। नहीं जिंदा हैं कब्रों में ज़िंदा है कहा अमवात हैं वो जिंदा नहीं है वो उनकी हयात दुनियावी नहीं है अम्बिया की भी हयात दुनियावी नहीं, नहीं है बाज़ रिवायत में जैसे आया कि अल्बिया अहिया कबूर हिम यम्बिया अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं नमाज पढ़ते हैं बाज़लमां हदीस को ज़ैफ़ का बाद ने उसकी तहसीन की है लेकिन इसको यानी सही करार देने वाले भी ये मानते हैं कि ये कौन सी हयात है ये बऱखी हयात है दुनियावी नहीं दुनियावी हयात नहीं है शहीद की हयात दुनियावी हयात नहीं है वह अल्लाह के पास ज़िंदा है बल बलया उन और वो अपने रब के पास ज़िंदा है तुम्हारे पास नहीं कब्र में नहीं वो अल्लाह के पास ज़िंदा है वो दुनियावी हयात नहीं है वो बऱकी हयात है अगर दुनिया में हयात होती तो उसकी बीवी बेचारे बेवा कैसी हुई वो उसके बच्चे यतीम कैसे हुए दुनिया में वो ज़िंदा है और आप उसको यतीम कर दिए उस, उसकी जायदाद भी तकसीम कर दिए आप जबकि वो ज़िंदा है वो दुनियावी हयात नहीं है वो बरज़ी हयात है तो अमवातन गैर वमा योन अया नास तो अल्लाह ताला ने इसकी मजमत की है कि जिनको तुम पुकार रहे हो का ये हाल है वो मय हैं और उन्हें तो अपना कब उठाया जाएगा उनको उसका शौर नहीं है तुम्हारे मसायल का क्या शौर होगा तुम्हारे मसायल का हल उन्हें क्या मालूम होगा तो उन्हें अपने बारे में मालूम नहीं तुम्हारे बारे में क्या मालूम होगा नहीं बाबा को हमारी सब चीज़ों की खबर है क्या खबर है बाबा कबर में खबर नहीं है उनको कुछ भी उनका मामला अल्लाह के साथ में है उनके अगर वो नेक साल है कोई इंसान था सालहीन में से था अल्लाह वालों में से था तो उसका मामला अल्लाह के यहाँ पर उसका आजर अल्लाह के यहाँ उसका ऊँचा मकाम अल्लाह के पास है उसको तुमसे क्या पड़ी है तुम शराब पियो जुए खेलो हाँ रेस के घोड़ों को दौड़ाओ लॉटरी के टिकट ये करके बाबा मेरी बिगड़ी बना दो उसके पास जाके करो और तुम्हारी बिगड़ी बनाएगा कि तुम्हारी ख़्वाब में आके बताएगा भाई चालीस नंबर की लॉटरी लगा दो तो आप वो ये काम करने के लिए हैं सोचने की चीज़ है ये दुनिया परस लोगों का बहाना है कि वो दुनिया हासिल करें बेवकूफ़ बनाने वाले बेवकूफ़ बनाते हैं ये जो आयत मैंने जिक्र की है सूरत नहल की आयत नंबर बीस इक्कीस है इसी तरह से आप देखें अल्लाह ताला ने महमद अरबी सल्लासम से कहा कुल इन्नम अदरबी वाला उशरे कुहदा कुल इन्ी ला अमल कुलकुम दर वाला रशदा सर अलजिन आयत नंबर बीस इक्कीस कितनी प्यारी आयत है जिनकी आयत है अल्लाह ताला फ़रमाता है, नबी आप कहिए क्या कहिए इनमा अदौ रब्बी मैं तो बस अपने रब को पुकारता हूँ मेरा तरीक़ा ये है इब्राहीम को पुकारता हूँ नू सलाम को मूसा सलाम को ईसा सलाम को वो तो हयात हैं किसी को नहीं मैं किसको पुकारता हूँ इनमा अदौ रब्बी यानी हमारे नबी का तरीक़ा अल्लाह को पुकारने का है अम्बिया को पुकारने का नहीं हमारे नबी का तरीक़ा नबी को पुकारने का नहीं है हमारे नबी का तरीक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को पुकारने का है कुल इनमा अद और रबी ए नबी आप कह दीजिए इन नमाबी मैं तो बस अपने रब को पुकारता हूँ वला उशरक भी अहदा और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करूँगा न करता हूँ न करूँगा कुल इन अमल को रशदा और ये भी कह दीजिए अल्लाह के नबी क्या कि मैं तुम्हारे नुकसान और फ़ायदे का मालिक नहीं हूँ मेरे हाथ में ना तुम्हारा फ़ायदा है ना नुकसान है यानी नबी से ऐलान करने के लिए कहा मैं फ़ायदा नुकसान तुम्हारा मेरे हाथ में नहीं जब इतनी बड़ी शख्सियत जो सारे नबियों के सरदार सारे बंदों में सबसे अफजल उनका हाल ये है वो अल्लाह को पुकारते हैं और लोगों को कह दो कि मेरे हाथ में तुम्हारा फ़ायदा नुकसान नहीं है और फिर हम कहें कि नहीं फ़लाने बाबा फ़लाने बाबा फ़लाने नंगे बा शाह बाबा हाँ दीवाने शाह बाबा फ़लाने रस्तुम और ये वैसे उनको पुकारेंगे हम लोग और हमारे नबी से कहा जा रहा है कि मेरे हाथ में तुम्हारा फ़ायदा नुकसान नहीं और इन बाबाओं के हाथ में होगा सोचने की चीज़ है तो इस आयत में भी देखिए ये बताया जा रहा कि मैं तो अपने रब को पुकारता हूँ छोटा बड़ा कोई भी मसला हो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और मैं अल्लाह के साथ शरीक नहीं करता न दुआ में न किसी और अमल में मैं अल्लाह के साथ शरीक नहीं करता फ़ौर दुआ के बारे में बता के कहा मैं शरीक नहीं करता यानी सिर्फ अल्लाह को पुकारता किसी और को नहीं पुकारता और मेरे हाथ में तुम्हारा फ़ायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं तो उम्मती को यह बात याद रखना चाहिए जिसका ऐलान करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया नबी वसल्लम को किनिलार रन रशदा तो ये जो हदीस है इससे बात मालूम हुई कि दुआ इबादत है और अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ नहीं करनी चाहिए अल्लाह रबालमीन से दुआ है कि हम सब को अल्लाह ताली नेक तो़ीक़दा फरमाएँ और शर की तमाम सूरतों से बचने की और दूसरों को बचाने की तोफ़ी अदा फरमाएँ अकोलहद वफ़ील वक़्म